हम कर रहे हैं वॉइस वॉइस में हमने इसकी लगभग जो स्टाइल है वो कर ली है। आज हम करेंगे इसकी इन्फिनिटिव स्टाइल। इन्फिनिटिव मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था इन्फिनिटिव क्या होता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो ये यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब है। कौन सी? टू टॉक, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। तो आज हम इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई वांट बाय ए बाइक। आई वांट टू बाय, सॉरी आई वांट टू बाय, भाई तभी तो इन्फिनिटिव बनेगा, टू आएगा। टू बाय ए बाइक, तो ये इन्फिनिटिव हो गया हमारा, ठीक है। इन्फिनिटिव का तो स्टाइल है टू बी, तो इसमें यहां से आई वांट, क्योंकि मेन वर्ब इसमें ये है ना भाई, इन्फिनिटिव का पैसिव करना हमें, तो आई वांट ये जो ऑब्जेक्ट है इसको साथ लाएंगे, आई वांट ए बाइक टू बी बॉट, बहुत इजी है। आई होप आप कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने क्या बोला, इन्फिनिटिव का तो पैटर्न होगा टू प्लस बी प्लस वी थर्ड, ये पैटर्न होगा। फिर हमने एग्जांपल देखा, आई वांट टू बाय ए बाइक, ए कार, कुछ भी आप कर सकते हैं। आई वांट ए बाइक टू बी बॉट, तो ये इस तरह आप पैसिव वॉइस कर सकते, कंप्लीट हो जाएगा बोट। इसी तरह इसकी एक स्टाइल और है, फॉर एग्जाम्पल इट वाले सेंटेंस शुरू करते हैं, इट इज टाइम टू टेक लंच, दोपहर का समय हो रहा है और अक्सर बोला जाता है भाई तो लंच करने का समय है, इट इज टाइम टू टेक लंच। ये देखिए यहां पर ये भी इन्फिनिटिव है, इट इज टाइम टू टेक, इसको जब इट इज वाली इस तरीके से आएगा तो इसको थोड़ा सा चेंजमेंट अलग करेंगे, हालांकि पैटर्न यही रहेगा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। इट इज टाइम, इसको सेम लिखते हैं, इट इज टाइम फॉर लंच, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन, ये इसका दूसरा स्टाइल ये होगा इस तरीके से। और इस स्टाइल का जो एग्जांपल है वो काफी बार आता है, इट्स टाइम टू टेक लंच, इट्स टाइम टू से प्रेयर, इट्स टाइम टू टेक टी, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इस तरीके से, तो इन्फिनिटिव स्टाइल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बस पैटर्न याद रखे टू बी प्लस वी थर्ड कर लोगे। इसके साथ मैं आपको एक स्टाइल और बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और वो स्टाइल कौन सी है, कुनीन एक टेबल का नाम है, कुनीन टेस्ट बिटर, ये अलग स्टाइल है। कैसे? क्योंकि अब तक आपने यहाँ पे पढ़ा था ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आ रहा था या प्रोनाउन आ रहा था, नाउन आ रहा था या प्रोनाउन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आया, बिटर क्या है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आया हुआ है, समझ में आया, तो ये अलग स्टाइल हो गई। और इसको पैसिव में चेंज करने का जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है, वो थोड़ा सा अलग है। कैसे? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेस्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे, पुनी पुनीन इज
क्विनीन इज बिटर, क्विनीन इज बिटर, बहन इट टेस्टेड, व्हेन इट टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड भी कर सकते हैं और इट लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि इसी की बात की जा रही है क्विनीन की, समझ में आ गया, क्विनीन इज बिटर व्हेन इट टेस्टेड, अगर लगाए तो भी ठीक है और ना लगाए तो भी ठीक है, व्हेन टेस्टेड, दोनों तरीके ठीक रहेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है भैया इसी की बात की जा रही है क्विनीन की, तो यहाँ पे इट लगाए तो ठीक है और ना लगाए तो भी आपका काम चल सकता है, क्विनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड या व्हेन इट टेस्टेड, क्लियर, बहुत इजी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोज स्मेल्स स्वीट, यहां पे देखिए भाई एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्वीट, और एक होता है एस डब्ल्यू ई ए टी, वो स्वेट होता है जिसको हम बोलते हैं पसीना, स्वेट, और ये स्वीट मिठाई, कैसे मैंने इसी पैटर्न से बनाएंगे, इसका पैटर्न अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हो, कैसे, सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टेंस हेल्पिंग वर्ब एच वी प्लस क्या जो जो एडजेक्टिव वर्ड है वो, एडजेक्टिव वर्ड प्लस बहन और प्लस बी थर्ड, ये पैटर्न बनेगा भाई स्टाइल वाले का, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस लगेगा, ये ध्यान रखिए भाई अकॉर्डिंग टेंस, ठीक है, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा तो यहाँ पे वाच आएगा, रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, या इसी को हम पास्ट टेंस में करें, इसी एग्जांपल को एस एम ई एल टी स्मेल्ड, अब ये देखिए सेकंड फॉर्म आ गई है और सेकंड फॉर्म आ गई वी टू, तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर, तो वाज आएगा, कैसे हो जाएगा, रोज रोज वाज स्वीट वहन स्मेल्ड, वहन इट स्मेल्ड, इस तरह से आप करें, ठीक है, रोज वाज स्वीट वहन इट स्मेल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल है ये, जो कई बार आता है और अच्छा अच्छा इसमें कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या करें हम इसका, क्या वॉइस चेंज करें इसका, इसका तरीका ध्यान रखें, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ अकॉर्डिंग टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस था तो यहाँ पर वाच किया, पहले वाले एग्जाम्पल में प्रेजेंट टेंस था तो मैंने इज एम आर का प्रयोग किया था, तो ये आपको याद रखना है, तो आज आपकी दो स्टाइल हो गई है, पहले वाली कौन सी इन्फिनेटिव, दूसरी कौन सी बताई मैंने आपको, इन्फिनेटिव के साथ ये एडजेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन ना होकर क्या होगा एडजेक्टिव, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, आज आपकी दो स्टाइल करनी है, और अभी मैं कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जो आप खुद करेंगे, ठीक है, तो एग्जांपल लिख लीजिए जो आपको करने हैं, इनके साथ साथ जो लिख रहे हैं आज वाली स्टाइल के, कौन कौन से एग्जांपल हैं जो आपको घर से करने हैं, तो गाइस डियर स्टूडेंट ये आपके होमवर्क के लिए है, वो जो मैंने आपको कराया है वो भी आपको प्रोवाइड करना है, और ये अलग से एक्सरसाइज सोल्व करनी है, यू विल हैव टू डू इट, इन्फिनिटिव का स्टाइल है ये, प्लीज स्टैंड टू से प्रेयर, अभी जो मैंने आपको समझाया था सेम वही इसी तरीके का है एग्जांपल, हनी इज स्वीट ये भी इसी तरीके का है, आप करेंगे ये सारे सेम ही है, सी वांट्स टू राइट ए लेटर, प्लीज गिव्स, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, प्लीज गिव अस फ्रूट टू ईट, Let me the work finish. Let me the work finish. I want to stop the work. तो ये सेवन सेंटेंस है जिनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये आपका होमवर्क भी होगा और इसे आप करें, ओके, थैंक यू।